मम्मी आप भी कुछ खाने के लिए लीजिए ना। जी बेटा। अरे क्या जरूरत थी नाश्ता लाने की, खाम खामे तकलीफ की तुम लोगों ने। नहीं, ये तो रस्मों रिवाज है ना खाला, वो तो निभाने पड़ते। अरे बेटा पहले कौन सी रस्में पूरी की हैं जो ये करनी जरूरी थी। जहेज के नाम पर तो तिनका नहीं दिया, मैंने तो कोई दाना नहीं दिया। बिस्तर दे दिया ना बहू को सोने के लिए, तो नाश्ता भी मैं करा देती। सुहेल भाई, वैसे एक हिसाब से तो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये रस्मों रिवाज तो पुराने वक्तों की बात है, फजूलियात हैं। रिश्ते रस्मों रिवाज से नहीं, मोहब्बत और प्यार से बनते हैं। मेरा ख्याल है इन रस्म रिवाज को खत्म कर देना चाहिए। वैसे मेरी मां ने ना तुम्हारे ससुराल वालों को तमाम रस्मों रिवाज से आजाद ही रखा है। क्या मांगा उसने? कुछ भी नहीं। खुशकिस्मत है तुम्हारी बीवी। वैसे नौरीन भाभी आप बुरा ना मनाएगा, वो जो पहनावे के नाम पे आपने कचरा। कपड़े जो दिए हैं वो जाते हुए वापस ले जाइएगा। किसी गरीब की शादी होगी उसकी बेटी को दे दीजिएगा, बड़ा सवाब मिलेगा आपको। बिल्कुल सवाब मिलेगा, जरूर दे देना। क्या मतलब? कपड़े किसी को पसंद नहीं आए, वो तो मैंने और नायाब ने जाके खुद खरीदे थे। कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत आलीशान। हम उन कपड़ों के काबिल नहीं समझ रहे अपने आप को। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वो कपड़े जरूर पहनने चाहिए। बहुत प्यार और मोहब्बत से लेकर आए हैं ये लोग। मोहब्बत से दिया गया तो कागज का फूल भी दिल के बहुत करीब होता है। थैंक यू सो मच भाभी, आप लोगों ने जो कुछ भी दिया बहुत अच्छा था। और सुहेल भाई प्लीज, आज के बाद आपने इन रस्मों रिवाज पर ऐसी कोई फजूल खर्ची नहीं करनी। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता इसे। सुहेल भाई खाइए ना प्लीज।